तो दोस्तों, हमारे चैनल के काफ़ी सारे व्यूवर्स ने हमारे से रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप हमें टेली के प्रैक्टिकल सेशन के साथ साथ टेली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछा करो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 10 सिंपल क्वेश्चन तैयार किए हैं टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, यानी कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो टेली स्टूडेंट को शुरुआत के 15 या 20 दिनों में जो टेली सॉफ्टवेयर के बारे में बातें जो बताई जाती है उसी से रिलेटेड ये 10 क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को कोई टैली का एक्सपर्ट स्टूडेंट्स या फिर कोई अकाउंटेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकता है, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये केवल टैली के फ्रेशर स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी टैली सीखने की शुरुआत ही करी है, जिनको अभी 1 मंथ या 1.5 मंथ ही हुआ है। तो दोस्तों, ये हमने सिंपल 10 क्वेश्चन तैयार किए हैं, इन सभी 10 क्वेश्चन का आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, अगर आप टेली के फ्रेशर स्टूडेंट्स हो, अभी आपने टेली सॉफ्टवेयर सीखने की शुरुआत करी है, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। एक एक क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सभी का आंसर आपको अपने माइंड से कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, इस आज का जो वीडियो है ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, इसमें बिल्कुल सिंपल हमने क्वेश्चन तैयार किए। तो जैसे जैसे हमारे पार्ट्स इसमें आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इस टेली सॉफ्टवेयर से जो क्वेश्चन है उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते जाएंगे, लेकिन आज का ये बिल्कुल सिंपल इसमें क्वेश्चन है। और इन सभी का जवाब मैं आपको जब नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, पार्ट 2 आएगा, तो उससे पहले इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको मैं टेली सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल तरीके के साथ बताऊंगा कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको टेली सॉफ्टवेयर में हम प्रैक्टिकल तरीके से किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देखना। वीडियो आपको कैसे लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है भी, टेली प्राइम या फिर टेली डॉट ERP 9 में जो होम पेज होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपको मिल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, डे बुक, या फिर गेटवे ऑफ टेली, या बैलेंस शीट। इसमें सही आंसर क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आ रहा है भी, आप टेली प्राइम के गेटवे विंडो पर हो तो किसी कस्टमर का लेजर देखने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग करोगे। यानी कि आप टेली के होम पेज पे हो, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप किसी कस्टमर का लेजर ओपन करना है तो आप कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज करोगे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका जो शॉर्टकट कीज है वो बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेली में ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए कौन से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यानी कि हम कोई भी चीज रिपोर्ट देखते हैं तो हमें कौन से ऑप्शन पर जाना होगा, हम बैलेंस शीट पर जाएंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, डे बुक पर जाएंगे, यानी कि कौन से ऑप्शन पर जाके हम टेली सॉफ्टवेयर में ग्रॉस प्रॉफिट को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टेली में इस प्रकार से कंप्लीट स्टॉक समरी देखने के लिए कौन कौन से ऑप्शन का उपयोग करेंगे। यानी कि कौन कौन से ऑप्शन हमें यस करने होंगे, कौन कौन से ऑप्शन नो करने होंगे, और इसका यहां तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो क्या है, उसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5, टेली प्राइम में कैश फ्लो ऑप्शन कहाँ होता है। गेटवे ऑफ टेली के होम स्क्रीन पे, या फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाके, या फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद आगे आपको कहाँ जाना होता है, ये सारी बातें आपको, यानी कि जो स्टेप है इसका, इस टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैश फ्लो के ऑप्शन तक पहुँचने का, इसके डिटेल आपको बतानी है। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो शुरुआत के दिनों में एक स्टूडेंट को बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, टेली सॉफ्टवेयर में वाउचर नंबरिंग बाय डिफॉल्ट होता है, मैनुअल होता है या फिर ऑटोमेटिक। वाउचर नंबरिंग का मतलब, जैसे आप कोई वाउचर एंट्री कर रहे हो, परचेज की कर रहे हो, सेल की कर रहे हो, पेमेंट की कर रहे हो, रिसिप्ट की कर रहे हो, जो वाउचर नंबर देना होता है वो मैनुअल होता है या ऑटोमेटिक होता है, बाय डिफॉल्ट टेली के सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा आता है। क्वेश्चन नंबर 7, आप टेली प्राइम के गेटवे विंडो पर हो तो अगर आपको दूसरी कंपनी को ओपन करना हो तो कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग आप करोगे। यानी कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो कंपनी ओपन कर रखी है, आपको उसी के साथ साथ दूसरी कंपनी भी ओपन करनी है, तो कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज हम करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, Alt+F1 करेंगे, Alt+F3 करेंगे, या फिर Alt+F2 करेंगे, या फिर ओनली F1 करेंगे, जिससे कि हमारी दूसरी कंपनी भी ओपन हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 8, टेली सॉफ्टवेयर में टेली वैलिड पासवर्ड लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है? दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। पहला जो ऑप्शन है भी कंपनी का नाम लिस्ट में दिखाई देता रहे इसलिए लगाते हैं, या फिर कंपनी का नाम लिस्ट में से छुपाने के लिए, यानी कि ना कंपनी का नाम है उसे हाइड करने के लिए टेली वैलिड पासवर्ड का लगाया जाता है, या फिर कंपनी का जो नाम है वो सेलेक्ट कंपनी की लिस्ट में शो होता रहे। क्वेश्चन नंबर 9, कस्टमर के लेजर का ग्रुप होता है सेंट्री क्रेडिटर, सेंट्री डेबिटर्स, कैपिटल अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, यानी कि किसी कस्टमर का जब लेजर क्रिएट किया जाता है तो उसे कौन से ग्रुप के अंडर में रखा जाता है, इसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टॉक आइटम और लेजर को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो यानी कि कौन से ऑप्शन से, यानी कि कौन सी हम मतलब शॉर्टकट की से स्टॉक आइटम को या लेजर को डिलीट कर सकते हैं? चार ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, एल्ट प्लस आई, एल्ट प्लस डी, एल्ट प्लस एफ या फिर कंट्रोल प्लस डी। कौन से कीज कॉम्बिनेशन के साथ हम स्टॉक आइटम या फिर लेजर टेली सॉफ्टवेयर में से डिलीट कर सकते हैं? तो दोस्तों आज के ये थे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एक टेली के फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। तो सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों हम जब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा तो आगे सभी में हम 15-15 क्वेश्चन का ये वीडियो अपलोड हम करेंगे और सभी में धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कर लेना, और आपको इन सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चाहे आप गलत दो कोई बात नहीं है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको इन सभी का प्रैक्टिकल के साथ आंसर जरूर बताया जाएगा।